नुआपड़ा जिलार विभिन्न मंडी में लक्षाधिक धान बस्ता पड़ रही है। विभिन्न मंडीर चाषी 3573 जन चाषी टोकन अवधि सरी जाता बेले पखापाखि जहाँ सूचना रही 7,43,014 बस्ता धान पड़ रही है। या कोई आज नुआपड़ा जय किसान मजदूर संग्राम परिषदर आवाहक जदुमणि पाणिग्राही नेतृत्व में जिलापा अफिस् सम्मुख में धान बस्ता रखी धारणा देवे चाषी टोकन अवधि सरी जाता चाषी टोकन को पुनः नवीकरण करने जिलार समस्त मंडी धान उठावा दावी कर संग्राम परिषद एक कार्यक्रम में जिलार विभिन्न ब्लक्रु शताधिक चाषी जोगदे धारणा देवे। युधिष्ठिर पटेल आम नुआपड़ा प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन अच्छा युधिष्ठिर जदि कह चित्र आम बारंबार लगातार भाव देखुं युधिष्ठिर जे चाषीं समस्या दूरीभूत होवार कौन संभावना देखा जाऊनी कहीं जदि कह मस धरी मंडी में धान पड़ रही धान गजा हला मूसा खाईगले सबू सते विभिन्न प्रकार आल देखा जा मिलन पक्षर तेब आप कि देखुं नुआपड़ार स्थित को कहीं जो धारणा दिजार चित्र आसुच्छे देखंतु निवेदिता नुआपड़ा जिले में दीर्घ दुई मास रु ऊर्ध हो गलाणी विभिन्न मंडी में अचला बस्ता जारी रही मंडी में लक्षाधिक बस्ता धान पड़ रही आम पाखे जहाँ सूचना रही 3573 जन चाषी टोकन अवधि सरी जाता बेले 1,75,000 रु ऊर्ध बस्ता धान विभिन्न मंडी में पड़ रही आई चाषी मैंने विभिन्न समय राजरास्ता को ओह्लैंट विभिन्न समय जोगाण अधिकारी को देखा कर जिलापाल को देखा करणसी प्रकार सफलता मिली ना आई जिलार जय किसान मजदूर संग्राम परिषद किसी दिन तले जिलापाल अफिस् सम्मुख में विक्षोभ करते आय दे आम जदि मंडी धान न उठा आम राजरास्ता को ओह्लैबु आईपाई सरकार ही दायी रही है तागिद करते कि प्रकृति में कौन से मंडी धान उठी पारा ना वर्तमान सुधा जिलार लक्षाधिक बस्ता धान पड़ रही विभिन्न मंडी में आउ गोटे सूचना देवी निवेदिता देखु जय किसान मजदूर संग्राम परिषद आज जिलापाल अफिस् घेराव कर सहित जिलापाल अफिस् जोगाण अफिस् उपजिलापाल अफिस् समस्त अफिस् को आज अचल कर ये करी अचल करने स्थिर कर सहित धान पकड़ा स्थान पक अचल कर योजना कर देखु गोटे बड़ सूचना से माने मंत्री राजा स्वाई को एक पचार टोकन रद्द हो जाएगा चाषी नुह खोद ये सरकार ही दायी आहेतु ठीक समय रे टोकन दे पारले नाही मंडी रे धान उठिवार व्यतिक्रम हेला सेति पई आज मंडी रे लक्षाधिक धान पड़ी रही एति पई सरकार ही केवल दाई आ केवल जोगाण मंत्री ही दाई बोली से माने सीधा सलक अभियोग करिसेंती आ याकु नै कि आज जिलापाल ऑफिस सम्मुख रे धारणा देबार जहां कार्यक्रम रही हम पाखरे जहां सूचना रही एवं जिल्लार विभिन्न मंडी रु विभिन्न ब्लॉक रु शताधिक चासी जोग देबार मध्य कार्यक्रम रही निवेदिता तेबे युधिष्ठिर आमको लगुनी जे ए जो धारणा ए प्रतिवाद ये आंदोलन ये किसी नुआ कथा नुहे कहीं आप जानते युधिष्ठिर जे पूर्वर अनेक बार बीजेपी कथा कहवा कांग्रेस कथा कहवा समस्ते राजरास्ता को लाइसंती चाषी समस्या सामना को आनी सचेतन विरोधी दल हिसाब से किंतु कोटना कोटि सरकार को कान में कथा पड़ूनी आज जो धारणा आज जो प्रतिवाद आपन को कौन लगुच सरकार प्रकृत शुणवे चाषी दुख ना देखंतु निवेदिता आम जदि कही परबा जे गत किछि दिन तले नुआपड़ा जिल्लार 60 जण चाषी साइकिल धरिकी भुवनेश्वर को जाइथिले सेठी जोगाण मंत्री ता सहित कृषि मंत्री को भी देखा करथिले जे जिल्लार जो उत्कट समस्या देखा जाइछि जिल्लार जो मंडी समस्या देखा जाइछि जो चाषी कष्ट उपार्जित करिके मंडी धान पकेछि तार उठि पारु नै टोकन अवधि लेफ सेवा को बसिलानी आउ गोटे सूचना मु देबी किछि दिन तले तो सिनापाली ब्लॉक भिंगियामुंडा गाँव रणे चाषी टोकन अवधि सरी जाइथिबारु से आत्महत्या मध्ये उद्यम करथिले तो ए जो जिल्लार जो अचलावस्था मंडी रे जो अचलावस्था जारी रहिछि याकु नै कि विभिन्न समय रे चाषी नेता राजरास्ता को ओह्लैंट किंतु कौन सी प्रकार सुफल मिलूना जो जो प्रकार मंडी धान उठवा कथा जो आशा थी चाषी चाष कर मंडी धान उठ दि पैसा पाइब से पैसा घर प्रतिपोषण कर देखु नुआपड़ा जिला हूँ कृषि प्रधान जिला ये
80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କେବଳ ଧାନ କପା ମକା ଭଳିଆ ଚାଷ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବେ ସେମାନେ କରିବେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପଡି ରହିଛି ନିବେଦିତା ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଏଭଳି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ 80% ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ 2 ମାସ ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ ଯେତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।